ये ऊपर हमारे हॉस्टल्स हैं और बारिश हो रही है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। रजिस्ट्रेशन करा के फिर हम जो है ना अपने रूम्स को ऑफिशियली सेट कर सकते हैं। कल हम आए थे तो कल ऑफिस बंद था, तो जो यहाँ पे पहले फेलोज़ आए हुए थे हम उनके साथ एडजस्ट हो गए थे। अब हम जो है ना आज जा रहे हैं अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए। वो जो सेंटर में जा रहे हैं वो हमारा सीनियर है, वो हमें सारे वो करा के देगा। यहाँ पे सोसाइटीज़ हैं, मतलब एकेडमिक की अलग सोसाइटीज़ हैं और स्पोर्ट्स की अलग हैं, तो आपको जिस हवाले से जो काम होता है वो सीनियर खुद ही करा के देते हैं। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होने देते वो ना, यहाँ पे बहुत कोऑपरेटिव है। अब हम जा रहे हैं एडमिन ब्रांच की तरफ। फुल बारिश का सीन है यहाँ पे, रात से बारिश हो रही है, अब ज़रा कम हो गई है। अभी हमने तो अम्ब्रेलाज वगैरह कुछ भी नहीं लिए हैं, आज लेंगे हम। यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आई है मुझे, शायद हमारे वहाँ पे इस तरह का बिल्कुल माहौल नहीं होता और यहाँ पे तो सारी यूनिवर्सिटीज इस तरह है, मतलब एक से बढ़ के एक है। ये चक्कर है, बहुत प्यारा माहौल है। ये हमारा कैफ़े है, इधर भी चलेंगे। यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे हलाल फूड नहीं है, सेकंड पे हलाल है, ग्राउंड पे भी नहीं है। ग्राउंड और फर्स्ट पे हलाल फूड नहीं है, सेकंड पे हलाल है। ये डाइनिंग हॉल का फ्रंट है जिसे हम पाकिस्तान में मेस कहते हैं, ये मेस है हमारा। सब स्टूडेंट्स या साइकिल यूज़ करते हैं या स्कूटीज यूज़ करते हैं। मैं हॉस्टल वगैरह सेट कर रहा हूँ, फिर मैंने भी जो है ना कल परसों तक अपनी साइकिल ले लेनी है। यहाँ पे सब साइकिल यूज़ करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटीज यूज़ करते हैं। स्कूटीज़ यहाँ पे फ्री हैं, स्कैन करना पड़ता है, आप यूज़ करो उसको, जहाँ तक जाना है जाके वहाँ पर पार्क कर दो। तो पर स्कूटी इसलिए नहीं लेनी क्योंकि यहाँ पे हॉस्टल में बहुत कम बच्चों के पास है, तो वो हर वक्त किसी ना किसी को चाहिए होती है, तो आपसे ज़्यादा जो है ना वो हमेशा आपके फेलोज़ के पास ही रहती है। साइकिल में ज़रा मेहनत होती है, कोई भी नहीं लेता साइकिल आपसे ना, तो साइकिल लेनी है हमने अपनी। अभी जैसे ही सब बच्चे अपनी स्कूटीज़ वगैरह ले लेंगे फिर हम लेंगे। बच्चे कह रहे थे, मैंने तो कहा था हम ले लेते हैं, ओ शिट वो गिर गए बारिश में ना। गिर गए बेचारे। हम पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में ना, बहुत ठंड लग रही है, बारिश है यहाँ पे, बहुत ठंड लग रही है। हमारे पास अम्ब्रेलास वगैरह भी नहीं है, जितने भी चाइनीज हैं ये सब अम्ब्रेलास यूज करते हैं।
क्योंकि उनको पता होता है कि बारिश हो यहाँ पे। हम कल आए हैं, हम घर से लेके नहीं आए थे, तो यहाँ पे अब फिर कल लेंगे या आज शाम को। ये QR लगा होता है, उसको स्कैन करना पड़ता है। स्कूटी पे चलेंगे जिस दिन, उस दिन व्लॉग बनाएंगे, आपको बताऊंगा कि स्कूटी इसको किस तरह यूज़ करना होता है। पहुंच गए हम, एडमिशन हॉल था यहाँ पे, हमने हॉस्टल का एडमिशन का सारा यहाँ पे किया। अब हम जा रहे हैं यहाँ से बाहर, बहुत ठंड है यार, बारिश भी हो रही है और उसके साथ साथ हवा भी बहुत तेज चल रही है। अभी हम पहुँच रहे हैं अपने हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं। सुबह से कुछ नहीं खाया और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब 3 बजने वाले हैं और हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। पाकिस्तान और इधर के टाइम जोन में ना तकरीबन 3 घंटे का फ़र्क है। अभी हम पहुंच रहे हैं और फिर पहुंच के खाने पीने का कोई अरेंज करते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे खुद ही पे करना होता है अपने मशीन को, कोई नहीं होता काउंटर पे। इलेक्ट्रिक बाइक्स जितने भी स्कूटीज हैं सब इलेक्ट्रिक हैं, या साइकिल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज यूज़ करते हैं। ये थी हमारी एडमिशन बिल्डिंग, अब हम जा रहे हैं वापस। हमारी क्लासेस होंगी वहाँ पे, कल से हम उधर जाया करेंगे, कल से नहीं मंडे से हमारी क्लासेस हैं। आज थर्सडे है, जुमारात, और कल से हम जाया करेंगे वहाँ पे, हमारी सारी क्लासेस उधर होंगी। हॉस्टल भी चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये है जी हमारे डॉम, वो सामने नमाज वाला एरिया है, यहाँ से एग्जिट सीढ़ियाँ, और ये है जी रूम 436 जिसमें मैं रह रहा हूँ। ये हमारा हॉस्टल है जी, ये अभी है सोलो बेड्स वाले ना, वुडन बेड्स अभी हमें नहीं मिले हुए, सामान हमने सेट करना है। ये देखें जैसे आया है ना, सामान अभी पड़े हुए हैं सारे, ये बैग हमें अभी अनरैप भी नहीं किए हैं सारे। आज हम गए हुए थे हॉस्टल की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह के लिए। ये बाहर का एरिया, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कैसा माहौल है। ये इस टाइम तो बारिश हो रही है, बादल आए हैं सारे ना। ये अभी हमारे हॉस्टल का यहाँ से व्यू, इंशाल्लाह फिर आपको दिखाऊंगा बाद में भी ना सारा कुछ, जब हम यहाँ पे रेडी वगैरह कर लेंगे अपने रूम। अभी तो रूम वगैरह रेडी नहीं किए, कुछ बैग वगैरह यहाँ पड़े हैं, हमने तो कुछ भी नहीं अभी रेडी किया। ये देखें ये बैग वगैरह पड़े हैं यहाँ पे, अभी हमने सामान वगैरह अपने रखना है, सेट करना है। फिलहाल ये हॉस्टल का ये एरिया जी, जो हमने जिस पे ना अपना सामान वगैरह सेट करना है, ये हॉस्टल का एरिया। आपके भाई थक गया, बहुत थक गया हूँ मैं, क्योंकि आज बहुत काम किए, सारी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की है, अपनी रजिस्ट्रेशन कराई है यूनिवर्सिटी में ना, तो अब हमने सेटिंग वगैरह करनी है रूम की। इंशाल्लाह फिर हम अपना रूम शूम सेट करेंगे, ये सामान खोलेंगे, जो जो चीज़ रखनी है रख के, ये ब्रीफ केस जो है ना, ये बैल्कनी वाली जगह इस तरह यहाँ रख देंगे ना, हम यहाँ रख देंगे। तो ये बहुत बारिश है यहाँ पे, बहुत ठंड हो गई है। जब पाकिस्तान से आए थे टी शर्ट्स में थे, आज हमने अपनी हुडीज़ वगैरह फिर यूज़ करना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत ठंड है यहाँ पर। चलें जी, इजाज़त दें, अब मैं भी ज़रा रेस्ट कर लूँ, मैं आया हूँ। अब रूम वगैरह हमने कल सेट करना है, अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। आज आपको हॉस्टल भी दिखा दिया है,
यूनिवर्सिटी का सारा सिस्टम दिखाया, किस किस तरह हमने डॉक्यूमेंटेशन की है। इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अब कल नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम सबको, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।